हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बोझ एयर इंडिया बेचने की तीसरी कोशिश। एयर इंडिया के विनिवेश की पहली कोशिश साल 2000 में वाजपेयी सरकार में हुई थी। इसके बाद 2018 में दूसरी कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार सरकार ने 2020 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। 15 सितंबर 2021 तक टाटा और स्पाइस जेट ने इसे खरीदने के लिए बोली लगाई। अगर टाटा ये बोली जीतती है तो एयर इंडिया की घर वापसी हो जाएगी। 1960 में अपने बेड़े में बोइंग 707-420 एयरक्राफ्ट शामिल करने वाली पहली एयरलाइन बनी। कुछ ही सालों में एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। दुनिया के कई हिस्सों में एयर इंडिया की उड़ानें शुरू हो चुकी थी। आज की तस्वीर ये है कि घाटे से जूझ रही एयर इंडिया बिकने ही वाली है। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने इसे खरीदने के लिए बोलियां लगाई है। एयर इंडिया किसके पास जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं एयर इंडिया के 89 साल का दिलचस्प सफर। कैसे GRD टाटा के जुनून से शुरू हुई टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया, किस स्ट्रेटेजी से दुनिया भर में फैला इसका कारोबार और किन गलतियों ने एयर इंडिया को इस हश्र तक पहुंचा दिया। शुरुआत कराची से मुंबई की वो ऐतिहासिक उड़ान 15 अक्टूबर 1932 की सुबह 6:35 कराची के हवाई अड्डे पर खड़े सिंगल इंजन वाले हैविलैंड पस मौत हवाई जहाज पर GRD टाटा सवार हुए। उन्होंने रनवे पर विमान दौड़ाया और 10 सेकंड में वो हवा से बातें करने लगे। एयर इंडिया की दिलचस्प कहानी। मिट्टी के मकान में था ऑफिस, मालिक खुद उड़ाते थे हवाई जहाज। आजादी के बाद दुनिया भर में फैला बिजनेस, फिर कैसे बनी बेचने की मजबूरी। मुंबई में जुहू के पास मिट्टी का एक मकान, उसके सामने रनवे के लिए इस्तेमाल होने वाला मैदान, सिंगल इंजन वाले 2 हवाई जहाज, 3 मैकेनिक और 2 पायलट। इसे पढ़कर आपके दिमाग में जो तस्वीर बन रही है वो करीब 8 दशक पुरानी है। थोड़ी देर बाद वो विमान अहमदाबाद में रुका, जहां ईंधन बैलगाड़ी पर लादकर लाया गया था। विमान ने अहमदाबाद से उड़ान भरी तो दोपहर 1:50 पर बम्बई के जुहू हवाई अड्डे पर लैंड किया। इस उड़ान में 25 किलो डाक चिट्ठियाँ थी। यहीं से भारत में पैसेंजर फ्लाइट की शुरुआत हुई और पहली कंपनी बनी टाटा एयरलाइंस। 1933 में टाटा एयरलाइंस ने 1.60 लाख मील उड़ान भरी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद विमानों के पंख रुक गई और कंपनी पर संकट मंडराने लगा। उड़ान आज़ादी के बाद भारत सरकार ने खरीदा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और देश की सभी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब एयर इंडिया पूरी तरह से सरकारी कंपनी बन चुकी थी। स्ट्रेटेजी ट्रूली इंडियन ब्रांड इमेज पर रखा फोकस। एयर इंडिया ने शुरुआती दिनों से ही ट्रूली इंडियन वाली ब्रांड इमेज पर फोकस किया। 1947 में छपे एक न्यूज़पेपर एड की लाइन थी कि अगर आप आज़ादी का जश्न मनाने सही समय पर पहुंचना चाहते हैं तो ₹140 की एयर इंडिया की टिकट खरीदिए। बाद के सालों में एक्ट्रेस जीने तमान और एक्टर बिल फोकस भी विज्ञापनों के फीचर किए गए, जिससे लोगों का ध्यान खींचा जा सके। एयर हॉस्टेस को पारंपरिक भारतीय साड़ी में ब्रांड किया गया। एयर इंडिया की यह इमेज बदस्तूर जारी रही। हालांकि हालिया दिनों में स्ट्रेटेजी से कंपनी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। 1960 में अपने बेड़े में बोइंग 707-420 एयरक्राफ्ट शामिल करने वाली पहली एयरलाइन बनी। कुछ ही सालों में एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। दुनिया के कई हिस्सों में एयर इंडिया की उड़ानें शुरू हो चुकी थी। नमस्कार, मैं ट्यूलिप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपमा सेठी MM सेठी हॉस्पिटल के डायरेक्टर बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से हमें सभी औरतों के और महिलाओं के विषय में बात करनी चाहिए। आज मेरे हिसाब से एक लड़की जब पैदा होती है, वहाँ से लेके जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, और ये कह लीजिए कि हर उम्र की अलग 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 बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना। 8-9 साल की लड़की के महीने से शुरुआत होके जब तक बुढ़ापे तक वो पहुँचती है, आप लगाइए कि हमें हर चीज़ करनी होती है। एंड मैं उन्हीं चीज़ों में डील करती हूँ। आप 8 साल की लड़की के, 10 साल की लड़की के, 15 साल की लड़की के अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, 20 से 40 साल की उम्र की लेडीज़ की अलग प्रॉब्लम होती है, और 40 से 60 की उम्र की अलग प्रॉब्लम्स है। फिर 60 साल से उम्र की, ज़्यादा उम्र की औरतों में जैसे मेंसेस बंद हो जाने के बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं। सो आई ट्राई टू डील ऑल दोज प्रॉब्लम्स
और मैं यही चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी दिक्कत है तो ट्यूलिप हॉस्पिटल आइए, हमारे यहाँ पे सब चीज़ का जो भी हम बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं वो करेंगे। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रेमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार और विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।